सपोर्ट करना हो, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे वो आतंकवादियों की चिंता नहीं है। जम्मू कश्मीर की जनता ने, घाटी और जम्मू क्षेत्र की जनता ने तय किया है कि आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने के लिए वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपका सवाल श्रीमान राहुल गांधी ने देखा होगा। आरक्षण हम खत्म नहीं होंगे, ये विरोधाभास नहीं दिखता आपको? जरूर विरोधाभास है, कांग्रेस का यही संस्कृति है, कथनी और करनी में बड़ा अंतर रखना। परंतु मैं आज जम्मू कश्मीर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, गुर्जर बकरवाल, पहाड़ी और ओबीसी दलित भाइयों को जो आदर्श आरक्षण मिला है उसको कोई छीन नहीं सकता। हम इसको निश्चित रूप से बरकरार रखेंगे, इसको नहीं मिलेंगे। पायल जी, सर हमने अभी पहले देखा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। माइक दो उनको, माइक। सर मैं पायल मेहता हूँ नेटवर्क 18 से। सर पहले हमने देखा कि उमर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि दो सीटों पे वो लड़ेंगे, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए मैं तो क्या कह सकता हूँ, अब एक प्रकार से आत्मविश्वास की कमी ही मानी जाएगी। पहले चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, वो भी डर बताता है, फिर दबाव आया कि लड़ो, तो लड़ने के लिए एक सीट पर पर्चा डाला। अब लगता है कि एक सीट पर्याप्त नहीं है तो दो सीटों पर डाला है। मगर उमर साहब, इस बार जनता आपके साथ नहीं है, इतना मैं आपको यहीं से कह देता हूँ। माननीय गृह मंत्री जी नमस्कार। माननीय गृह मंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम सुनील भट्ट है, मैं आज तक से हूँ। गृह मंत्री जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले जब जो आपका मैनिफेस्टो है उसके कुछ रूपरेखा के कुछ पॉइंट्स बताए, उसमें आपने कहा कि पंडित टीकालाल तबलू कोई पुनर्वास योजना होगी विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए, उसपे ब्लूप्रिंट क्या रहेगा, वापसी का क्या ब्लूप्रिंट रहेगा, और साथ ही में जो कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ जो नरसंहार हुआ, जो कि आप स्वयं भी कई बार कह चुके हैं कि समुदाय को प्रताड़ना झेलनी पड़ी, क्या उस पर जांच आयोग बैठेगा? नंबर दो, जो कश्मीरी पंडित समुदाय को गृह मंत्रालय की जो परिभाषा है माइग्रेंट्स कहा जाता है, कश्मीरी माइग्रेंट्स, तो इसको आधिकारिक तौर पर आप क्यों नहीं मानते जेनोसाइड, और आधिकारिक तौर पर विस्थापित का दर्जा क्यों नहीं मिलता इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्संस का? धन्यवाद। ऐसे है, विस्थापित का दर्जा हमने आधिकारिक तौर पर दिया है। दो प्रकार है, जो उस ओर से यहाँ आए उनको माइग्रेंट कहते हैं। दूसरी बात, योजना बहुत डिटेल बनाई जाएगी और संपूर्ण पुनर्वासन की हम चिंता करेंगे। इसके पहले भी आनंद फानंद में जिनकी संपत्तियां बेच दी गई जब टेररिज्म चरम सीमा पर था, तब काफी कश्मीरी पंडित और हिंदू सिख भाइयों ने अपनी संपत्ति बेचकर यहाँ आए थे, उचित दाम नहीं मिले थे, उनको योग्य दाम दिलाने का या तो संपत्ति वापिस दिलाने का काम ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और 6,000 लोगों को बसाने का काम भी हमारा ऑलमोस्ट समाप्ति के कगार पर। विकास चंद्र। सर मैं विकास चंद्र हूँ, न्यूज नेशन। सर मैं विकास चंद्र हूँ, न्यूज नेशन चैनल से। मेरा सवाल है कि पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर यहाँ काफी मांग हो रही है, अलग अलग समूह के लोग भी कर रहे हैं, तो इस पर पार्टी का क्या स्टैंड है? इसका नाम सोचना भाई, ये मांग जो है वो एक प्रकार से लोगों को गुमराह करने की। मैं ऑलरेडी पार्लियामेंट के फ्लोर पर कह चुका हूँ कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब मांग किस चीज की कर रहे हैं? जो मांग कर रहे हैं वो तो मैं मान चुका हूँ पार्लियामेंट के फ्लोर पर, और मैं मानता हूँ आप सभी को भी मालूम है, मगर आप डिमांड को छापते हैं, जवाब को नहीं दिखाते हैं। और उस वक्त भी कहा था कि चुनाव के बाद उचित समय पर हम पूर्ण राज्य का स्टेटस रिस्टोर करेंगे। अब उनको मांगने की ही जरूरत नहीं है, मगर और कुछ बचा नहीं है तो जो हो गया उसको मांगते हैं। रविकांत राय, टाइम्स नाउ। सर मैं रविकांत राय हूँ, टाइम्स नाउ नव भारत दिल्ली से। सर आपने 370 के बारे में बहुत बातें की, जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस
का मैनिफेस्टो आया है, आपने कई बार एक्स पर भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से सवाल पूछा, लेकिन राहुल गांधी इस पर चुप हैं, कांग्रेस पार्टी चुप है, तो ये चुप्पी कितनी खतरनाक है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी। यार रविकांत, ये सवाल आपको राहुल को पूछना है, वहाँ हिम्मत नहीं है, तुम मुझे पूछ रहे हो। सर उनको पूछो ना, काहे को चुप हो भाई, हाँ बोलो या ना बोलो, जो बोलना है वो बोलो। अरे वो कुछ भी करे, कुछ होने वाला नहीं। एनसी का एजेंडा जमीन पर नहीं उतरेगा। धारा 370 अब पास्ट है, इतिहास बन चुकी है, इसको कोई वापस नहीं ला सकता। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग राज कर रहे हैं। चलिए अभी मैं इस तरह की टिप्पणियों को जवाब नहीं दे सकता। अगर राष्ट्रपति शासन को वो बाहर का कहते हैं, तो मुझे श्रीमान राहुल गांधी को बताना है कि आपकी पार्टी के शासन में हमसे 3 गुना लंबा राष्ट्रपति शासन कश्मीर में रहा है, और जो कश्मीर के सो कॉल्ड आपके मित्र हैं, वो घाटी में रहते भी नहीं थे, लंदन में जाकर बसे थे, और यहाँ जनता को मरने के लिए खुला छोड़ दिया। इंडिया डेली जम्मू से। अरे भाई ऐसा है, आप तो राजनीति में नहीं ना हो ना, हर बार टिकट बढ़ता है तब ऐसा होता है, चिंता मत करो, हमारा परिवार एक है। नीरज पांडे आपके यहाँ बीट के लिए नहीं होता है, ऐसा हमारे यहाँ टिकट के लिए होता है, भले आदमी छोड़ो यार। अमित जी मैं नीरज पांडे थे एबीपी न्यूज से। एक सेकंड, नीरज का समाप्त हो जाए। सर नेशनल कॉन्फ्रेंस हर मंच से हर रैलियों में कहती है कि हमारी सरकार आती है तो हम जम्मू कश्मीर के ट्रस्ट को बहाल कर देंगे, और दूसरी वो बार बार ये बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में सहूलियत के लिए पाकिस्तान से हमारी सरकार को वार्ता करनी चाहिए, तो दोनों में आपका स्टैंड है? देखिए हमारा स्टैंड स्पष्ट है, वार्ता और बम धमाके दोनों साथ में नहीं चल सके। हम पाकिस्तान की सरकार से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है जब तक टेररिज्म समाप्त नहीं हो जाता, मगर हम जम्मू कश्मीर के घाटी के युवाओं के साथ जरूर बात करेंगे। कांग्रेस और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, राहुल गांधी भी आए थे, उन्होंने भी कहा, उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, आप इधर पूरी तरह से हार रहे हैं। 370 हटने के बाद यहाँ पर जो वादे आप लोगों ने किए थे, वो तमाम वादे तोड़ने निकले, और उन्हें बताया कि सरकार बनने के बाद हम सबसे पहले स्टेट रूट को रिस्टोर करेंगे, क्या कहेंगे सर? देखिए स्टेट रूट रिस्टोर करने का सवाल ही नहीं, मैंने पहले भी कह दिया, हम पार्लियामेंट में मैं कह चुका हूँ, फ्लोर पर कह चुका हूँ कि हम स्टेट रूट रिस्टोर करेंगे। अब भला ये कौन सी मांग करें, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अमित पांडे टीवी। देखिए मैं प्लान को सार्वजनिक रूप से माइक में नहीं बता सकता, परंतु इतना जरूर बताऊंगा, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, सब आश्वस्त रहे, पूरी सुरक्षा व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने की। उमर अब्दुल्ला ने अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट दी है और ये कहा है कि जिस तरीके से देश भर में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, मैं कश्मीर के मुसलमानों को आश्वस्त करता हूँ कि कश्मीर में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। क्या ये फिरकापरस्ती की राजनीति नहीं है? कहीं पर ऐसा नहीं हो रहा है तो कश्मीर में होने का सवाल ही उठा पैदा नहीं होता। सर पिछले कुछ दिनों से आपने एनडीए को बहुत एक्सपेंड किया, तो अगर इनकी इस हंग असेंबली आती है तो यहाँ पे भी कुछ एनडीए में नहीं आना है? कोई हंग मंग नहीं आना है, बैठ जाओ।
सबसे आगे आपका सुझाव जो है वो हम रखेंगे प्रदेश वालों के सामने कि आपका ऐसा सुझाव है। अरे यार मेरा सुझाव समझ लीजिए, प्रदेश के साथ आपके सुझाव पर चर्चा करें। सर मेरा सवाल मैं राजस्थान पत्रिका से नवनीत मिश्रा हूँ। महुआ उक्ति ने मांग की है कि एनओसी बस सर्विस और ट्रेन सर्विस शुरू की जाए, पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि फारूक अब्दुल्ला के जो पिता, आपका माइक नीचे रखो ज्यादा ही हुआ। महबूबा मुफ्ती ने सर एलओसी बस सर्विस और ट्रेन सर्विस दोनों शुरू करने की मांग की है। और दूसरा मेरा सवाल यह है कि फारूक अब्दुल्ला के जो पिता थे शेख अब्दुल्ला, उनको नेहरू जी ने 11 साल तक जेल में रखा और आज के हालात में दोनों पार्टियां उसी कांग्रेस से वो गठबंधन करने जा रहे हैं, दोनों पे आपका क्या पक्ष है? देखिए मेरा कोई पक्ष नहीं है, तो राहुल गांधी जी ने निर्णय करना है। उनकी दादी ने शेख अब्दुल्ला साहब को क्यों जेल में डाला था, क्यों डालना पड़ा था, ये सारी चीजें उनको सोचनी है, इसमें मेरा कोई कहना नहीं। जहां तक ट्रेड शुरू करने का सवाल है, जब तक टेररिज्म समाप्त नहीं होता, ट्रेड टेररिज्म का इकोसिस्टम बनता है, हम इसको सहमत हमारी इससे सहमति नहीं। सर पॉलिटिक्स इज पार्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। मेरा सवाल आपसे ये, सर मैं सुनील हूँ, पॉलिटिक्स जो है वो पार्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। आपके सवाल यह है कि 2014 में जब आपने पीडीपी के साथ सरकार बनाई, तो क्या आगे चलते, क्योंकि ये जो इलेक्शन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्या आप किसी के साथ अगर उनके तीनों परिवार वादी जो पार्टियां पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, तीन में से एक भी की सरकार नहीं आएगी, हमारा बहुत स्पष्ट आकलन है। बाकी सारे ऑप्शन बाकी के साथ काफी एक्सप्लोर है। गृहमंत्री जी नमस्ते, मैं सामने आ सर आपसे सवाल रहेगा कि पिछले 8 दशक में जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ और इसके ऊपर जो है पॉलिटिक्स चली, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है जहाज जो है वो दिल्ली से सीधे श्रीनगर, चाहे G20 हो या जोगाडे हो, तो अब देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में इस तरह के मेजर इवेंट ऐसा नहीं है। आज मैं सीधा जम्मू आया हूँ, काहे को चिंता कर। चलो आनंद पांडे TV9, आनंद पांडे TV9। सर राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी जो है वो समाज और देश को बांटने का काम करती है, और यही काम उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी किया। और एक बात और कहनी है कि जो एलजी का पद है वो राजा का पद है, और जो मन में आए भाई एलजी हो या गवर्नर, मैंने पहले भी कहा हमसे 3 गुना लंबा राष्ट्रपति शासन कांग्रेस के जमाने में रहा, उसको राहुल गांधी क्या कहेंगे। और हमें राष्ट्रपति शासन ही इसलिए डालना पड़ा है कि 70 साल तक एक कांग्रेस पार्टी ने यहाँ की मूलभूत समस्या और टेररिज्म अलगाववाद को और धारा 370 हटाने के मसले पर ध्यान नहीं दिया, जो हमने किया। और हमने तो यहाँ पर पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत और अब असेंबली सभी फॉर्म में डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को, जमहूरियत को नीचे तक ले जाने का काम किया। राहुल गांधी जी को बोलने का अधिकार नहीं। सुमेंद्र कुमार A9। बस भैया अब इसको लास्ट पर खींच खींच कर पूछ रहे। हेलो हेलो सर, जिस तरह थोड़ा दूर रखिए सर, जिस तरह राहुल गांधी उनका कहना है कि जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यहाँ पे जो बीजेपी ने वादे किए वो सत्र के बाद नहीं है, तो उसके क्या है? देखिए राहुल गांधी विपक्ष में है, आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी प्रशंसा करें? वो कभी कर नहीं सकते थे, इसके लिए बड़ा जिगर थे। चलो धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
Yeah.